तो मैं भी सोच रहा हूँ कि माँ सफदर के घर की बराबर में अपना मैं घर ले लूँ। ये होगा माँ सफदर का घर, ये होगा आपके भाई का घर, ये इसका कंपाउंड है, बैठक भी कह सकते हैं शाम के टाइम पर यहाँ पर। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ मलिक रियाज के घर के अपोजिट, तो भी कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, उनसे मुलाकात करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी टाइम 10 बज रहे और हमारा प्रोग्राम हो गया है बेरा टाउन का, इंशाल्लाह ताला बस कुछ ही देर में निकलते हैं बेरा टाउन कराची के लिए। बेरा टाउन क्यों जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। मुझे तो पता नहीं होता कि अभी क्या होने वाला है, हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आपने थंबनेल में देख लिया होता है कि क्या होने वाला है, आपको आइडिया तो हो चुका होता है, लेकिन मुझे तो पता नहीं होता कि आगे क्या क्या होने वाला है। बेरा टाउन हम क्यों जा रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। माँ सफदर का आपको पता है कि बेरा टाउन में अपना घर बन रहा है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि माँ सफदर के घर की बराबर में अपना मैं घर ले लूँ। ये होगा माँ सफदर का घर, ये होगा आपके भाई का घर। कंट्रोल कंट्रोल। मुझे ये पता है कि बेरा टाउन में माँ सफदर का घर बन रहा है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि बेरा टाउन में माँ सफदर का घर किस बिल्डिंग में बन रहा है। वो अभी हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा किस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर माँ सफदर का फ्लैट है, तो वो जाएंगे तब पता चलेगा, इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अगर पता चल गया अभी हमें तो हम भी उसी बिल्डिंग में अपना घर ले लेंगे। अभी टाइम 11:30 बज रहे हैं, इंशाल्लाह एक घंटे के अंदर हम बेरा टाउन पहुंच जाएंगे। मौसम का हाल हमें पहले ही पता चल चुका है कि गर्मी बहुत होने वाली है बेरा टाउन में। कराची के लोगों के लिए बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उनको तो पता ही नहीं चला कि सर्दियां कब आई कब चली गई, बातें करते करते सफर का पता ही नहीं चला और हम बेरा टाउन पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम देंगे टूल हैदराबाद टू बेरा टाउन, वही टूल होता है जो हैदराबाद टू कराची का टूल होता है। अगर आप कराची से बेरा टाउन आएंगे तो फ्री होगा। बेरा टाउन तकरीबन 100 दफा आ चुका हूं मैं, लेकिन हर बार ऐसा ही लगता है कि शायद पहली बार आया हूं। जैसे हम कहते हैं कि कराची मिनी पाकिस्तान है, तो मैं ये कहने पे बिल्कुल अफसोस नहीं करूंगा, बिल्कुल शर्मसार नहीं होऊंगा कि बेरा टाउन मिनी दुबई है। हेड ऑफिस जाने से पहले मोबाइल फ़ोन यहाँ पर जमा कराना होगा, सेल फोन डिपॉजिट। सो भी सेल फोन डिपॉजिट काउंटर पे हम आ चुके हैं, मोबाइल जमा कराते हैं यहाँ पर। 2 hours later हेड ऑफिस से हम बाहर निकलाएं, ये सामने हेड ऑफिस है, ये भाई हमारे साथ है और अभी हम जा रहे हैं फ्लैट देखने के लिए। अभी हम विज़िट करना है बेरा हाइट्स के अपार्टमेंट से, अगर हमें यहाँ पर अच्छा लग गया तो हम यहाँ पर ले लेंगे एक फ्लैट। ये इसका कंपाउंड है, बैठक भी कह सकते हैं शाम के टाइम पर यहाँ पर। ये इसकी लॉबी है, यहाँ से हम अंदर आ चुके हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 10/10 पहले एनएसी नंबर दिया, फिर पिक्चर ली, फिर मोबाइल नंबर दिया, उसके बाद ही फ्लैट विजिट करने की इजाज़त मिली हमें, तो सिक्योरिटी के हवाले से 10/10 में दूंगा। तो हमने यहाँ पर देसी फूड पर हमने किया था लंच कोइटिया कैफे मिडवे पर, और यहाँ से पी थी हमने चाय। इनका हमने किचन नहीं विज़िट किया क्योंकि आप कहते हो कि यार किचन में घुस जाते हो, बस हम किचन में नहीं गए। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ मलिक रियाज के घर के अपोजिट, तो भी कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, उनसे मुलाकात करूँ।
अगर यहाँ पर होते तो उनसे मुलाकात ज़रूर करते, लेकिन मलिक रियाज यहाँ पर है नहीं, तो नहीं तो उनसे मुलाकात हमारी होती, आपसे भी कराते मुलाकात, अपने व्लॉग में लेके आते। ज़ोर की नमाज़ का टाइम हो गया है, ज़ोर की नमाज़ अदा करते। तो ये मस्जिद सरवर है, इसका नाम है मस्जिद सरवर, तो यहाँ पर मैंने नमाज अदा की। ये एफिल टावर है, रात के टाइम ये बहुत ज़बरदस्त है। मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो आप देखें। बेरा टाउन में पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, जिसका नाम ग्रैंड जामिया मस्जिद है। जब ये बन जाएगी तो इंशाल्लाह इसको भी विजिट करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं इकराजीज और यासर हुसैन का घर देखने के लिए, हमें पता चला है कि यहीं पर कहीं है, तो अगर उनसे मुलाकात हो गई तो उनसे पिक्चर वगैरह निकलवाएंगे, व्लॉग में भी उनको लेंगे इंशाल्लाह। व्लॉग में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पाकिस्तान के सब सेलिब्रिटी से हम मिलेंगे, सारे के सारे जो भी सेलिब्रिटी यहाँ पर है उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। गैलेक्सी लाइट्स, यहाँ से हम अपने ड्राइंग रूम के लिए कुछ लाइट की चीज़ें देखेंगे। ये वाला 55 अभी एक और टास्क है, यहाँ से अभी वापस ऊपर चढ़ना है। सॉरी, नाम इसका है कोइटिया कैफ़े मिडवे, तो यहाँ पर हम पियेंगे अभी कावा। सुबह हम यहाँ से लंच करके गए, होटल ये था देसी फूड, यहाँ पर हमने जो लंच किया था वो बिल्कुल घर के जैसा था, बड़ा अच्छा खाना था, डिसेंट जो घर पे हम खाते हैं। तो यहाँ से हमने पी थी चाय, इसका नाम है कोइटिया कैफ़े मिडवे, तो अभी हम यहाँ पर पियेंगे कावा। अभी हम आ चुके हैं फ्लैग पूल पॉइंट पर, यहाँ पर पता नहीं क्यों उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उतार दिया है। ये एक तरह से पिकनिक पॉइंट है, यहाँ पर लोग बैठते हैं, सामने मलिक रियाज का घर है। अभी हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 75 years later. माशाल्लाह सर्दी बहुत है यार, हैदराबाद में इतनी सर्दियां हैं मैं आपको क्या बताऊं।
बेरा टाउन गए थे तो इतनी गर्मी हो रही थी, और मैंने वहाँ से मालूम किया वहाँ के लोगों से, तो वो भी कह रहे थे कि यहाँ पर सर्दी तो आई नहीं है, हमें तो ये देखी नहीं है सर्दी। ये देखे स्मोक। और अभी हमने लिया है अपने लिए अंडा पराठा, और इस व्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।